ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा शाहिद और मैं होती हूं एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मंडे टू फ्राइडे 10 o'clock to 5 p.m. एंड आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ओला डॉक पे आप मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है किस तरह कोई बहुत ही बड़ा फंक्शन आने लगता है, किसी चीज़ के बारे में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम सुबह उठते हैं कि अच्छा चलो अब फंक्शन पे जाना है, और सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि एक मोटा सा दाना निकला हुआ है, कभी आपकी चिन पे, कभी राइट ऑन योर नोज और कहीं भी। और आप जब वो दाना निकल जाता है तो इतनी टेंशन का जो है वो सबब बन जाता है, और फिर इंसान का दिल करता है कि किसी तरह बस मैं उसको दबा दूँ, उसको निचोड़ दूँ, उसके अंदर से जो कुछ भी है वो निकाल दूँ। और फिर हम उसको छेड़ते रहते हैं, मुस्तकिल हम कोशिश करते हैं कि हम उसको किसी तरह से तोड़े और वो निकल आए प्राप्त करके, और बस हमारी जान जो है वो छूट जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये कि हमारी जान उससे बिल्कुल छूटती नहीं है। ये जो पिंपल पॉपिंग है ना, ये इतनी एक इररेसिस्टिबल सी सैटिस्फाइंग सी फीलिंग है कि हमने पॉप कर दिया, शायद अंदर से सारा गन निकाल दिया, बट इट्स नॉट सो। हम एक्चुअली डैमेज कर रहे होते हैं मजीद अपने आप को। वो किस लिए होता ये है कि बेसिकली एक्नी या पिंपल हमें होता इसलिए है कि बहुत ज़्यादा ग्लैंड ने सीबम प्रोड्यूस किया और पोर जो है वो आगे से ब्लॉक हो गया, ऊपर से बैक्टीरिया भी आया और उस जगह पे पस प्रोड्यूस हो गई। जो वाइट सा आपको दिखता है पस है, कलर चेंज हो जाए गंद हो उसके साथ तो वो ब्लैक हो जाता है। अब वो पिंपल जो है वो सिस्टिक नोड्यूलर एक्नी भी हो सकती है, ऊपर से हल्की सी वाली भी हो सकती है, लेकिन हमारी अर्ज टू ब्रेक इट ओपन और अर्ज टू पंक्चर इट जो है वो करती क्या है कि हम उसको बहुत ज़्यादा यूं प्रेशर करते हैं। जब हम यूं प्रेशर करते हैं ना, तो हम बेसिकली उस सारी पस को और बैक्टीरिया को मजीद अंदर जो है वो धकेल रहे होते हैं, ना कि ये कि हम उसको बाहर आने दें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। न सिर्फ ये होता है कि आपने बैक्टीरिया को और पस को मजीद अंदर की तरफ धकेल दिया, बल्कि आपने उस जगह को इतना ट्रॉमेटाइज किया होता है कि मजीद रेडनेस और इन्फ्लेमेशन वहाँ हो जाती है। और जिस भी जगह पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाए वहाँ वो जगह मजीद लाल हो जाती है, मजीद सूज जाती है, उसके अंदर पस भर जाती है, थ्रॉप करने लगती है, गर्म हो जाती है, दर्द होने लगता है। और इसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जहाँ जहाँ बॉडी में ये सोजिश होगी उसके बाद एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या PIH। और स्पेशली अगर आप एक्नी को ये करेंगे ना, आप उसको खूब निचोड़ेंगे और फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, तो ना सिर्फ ये वो पिम्पल बहुत बड़ा और इन्फ्लेम्ड और लाल लगेगा और ओरिजिनल पिंपल से भी कहीं बड़ा लगेगा, बल्कि जब वो ठीक भी होगा तो वो छोड़ जाएगा अपनी जगह पे एक दाग। दाग पहले तो लाल होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर ब्लैक होगा और जाएगा ही नहीं महीनों महीनों और सालों तक। और इन केस आपने पूरा का पूरा वो पस निकाल दिया तो उस जगह पे एक गड़ा भी बन जाएगा, एक स्कार या एक पिट बन जाएगा, जो कि बहुत कॉमन होता है बहुत सारे लोगों में। इसलिए की यही है कि बड़े पेशेंस से काम लेना है और उसको जो अर्ज होती है ना, इररेसिस्टिबल सी अर्ज होती है कि किसी तरह हम इसे पंक्चर कर दे, हमने उसको पंक्चर नहीं करना, क्योंकि द मोमेंट वी पंक्चर इट हमारा वो बैक्टीरिया बाकी जगहों पे भी जाके फैलेगा। तो जहां एक पिंपल था अब 100 जगहों पे मजीद पिंपल्स भी हो जाएंगे। फिर दूसरा ये कि वो एक पिंपल भी खराब हो चुका होगा, मजीद इन्फ्लेम भी हो जाएगा, और ना सिर्फ ये बल्कि पिगमेंटेशन मतलब मार्क्स और साथ स्कार भी छोड़ जाएगा। और इसमें जब आपका दिल चाहता है ना कि बहुत ज़्यादा मेरा ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, या तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो प्रॉपर स्टेराइल नीडल और मेडिकेशन से उसको यूं ड्रेन आउट करेंगे कि आपका स्कार भी ना हो और पिंपल भी ना रहे, या फिर आपके जो रेगुलर केयर है, एक्नी केयर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे ना, जिसमें आपका सैलिसिलिक एसिड वॉश है, या आपने हल्की सी एंटी बैक्टीरियल क्रीम डैप कर ली, या बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे ड्राइंग एजेंट, या एडाप्लीन जेल, या कोई रेटिनॉइड जो है वो लगा लिया ताकि टर्न ओवर आपका तेज़ हो, वो तो ठीक है। लेकिन एक दफा पिंपल को पंक्चर किया, उसके ऊपर रिपीटेडली आप ऐसी चीजें लगाना शुरू हो जाए, तो आपने इधर उधर से पढ़ी है कि भाई ये भी टमाटर भी लगा लो, फ्लाम भी लगा लो, आप जितना स्किन को इरिटेट करेंगे उतनी ज्यादा वहां इन्फ्लेमेशन होगी और उतना ज्यादा वो आपके लिए मार्क्स छोड़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको अर्ज होती है ना पिंपल पॉप करने की, तो आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले तो आईनों को ना अपने दूर कर लेना है, आपने आईना नहीं देखना। या फिर आप ये करें कि वो जो बबल रैप नहीं होता जिसमें हम चीज़ों को रैप करते हैं, उसका बबल रैप उतारे और उस अर्ज में आप वो वाला बबल पॉप करने लगे। या फिर आजकल एक टॉय मिलता है स्ट्रेस रिलीज के लिए, भी बड़ा अच्छा है, कलरफुल सा होता है, डिफरेंट शेप्स में होती है, और उसमें आप जो है उसके बटन्स प्रेस करते रहते हैं, उसके बबल्स जो है वो प्रेस करते रहते हैं, एंड दे काइंड ऑफ रिलीज यू एज वेल। या फिर द बेस्ट थिंग
thing is, what do you have to do when you have a pimple and you don't want to see it? Is thoda sa concealer le le, but beshak pehle aapne acha sa apna antibacterial cream lagayi, halka sa concealer lagaya, dikhega bhi nahi, aapko bother bhi nahi karega. But please resist the urge to pop it, kyunki aaj aapne agar pop kar diya to kal aapke liye bahut sare pimples nahi balki saath uske daag bhi honge aur baqaida scars aur pits bhi honge jinko remove karna jo hai wo zyada mushkil hota hai aur bahut zyada usme procedures expensive bhi, time taking bhi aur bahut hi complex kisam ki procedures involved hote hain. Thank you very much.